बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत चारपाली वनांचल एवं आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। शासन की योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रशासन ने जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी है उनकी उदासीनता के कारण लोगों को शासन की योजनाओं से वंचित होना पड़ता है। लोग आवेदन देते देते थक चुके हैं पर आवेदन पर कार्यवाही नहीं होती। गौरतलब है कि वनांचल क्षेत्र रनकोट की सावित्री भोई जिसके नाबालिग दो पुत्र हैं, जिसके पति का निधन होने के कारण से सावित्री भोई अपने बच्चों का पालन पोषण मजदूरी करके कर रही है। जहां शासन से मिलने वाली पेंशन योजना के नाम जुड़वाने के लिए सरपंच सचिव को लगभग 10 आवेदन दे चुकी है पर बीते 6 वर्षों में पेंशन योजना में नाम जुड़वाने की मांग प्रशासन शासन से की है। ऐसे ही इस क्षेत्र के कई और नाम पेंशन योजना के लिए आवेदन किए हैं पर आज तक पेंशन योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं संबंध में चारपाली सचिव से जब क्लिपर 28 की टीम ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया, उनके द्वारा बताया गया कि सावित्री भोई जो विधवा है उनके दो नाबालिग बच्चे हैं जिन्हें पेंशन के लिए जनपद पंचायत को आवेदन भेजा था लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। सचिव ने कहा कि सीओ से चर्चा पर पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी इंदिरा आवास के हुई है, फोटो खींच के लेकिन 300 रुपया लेकिन है। अच्छे छह साल हो गए इसने तो अभी मिले रही है मोला पेंशन। आपके फार्म डाल के देने तल घोले नहीं मिले थे काला दिया फार्म आए फार्म भर काला दिया सरपंच सचिव मल्ला दे हम का कहते सरपंच सचिव मन ओम का कहते मिल ही मिल ही कहते हैं के साल हो गया नहीं मिला थे तीन के साल हो गया आप मतलब छह साल हो गए इसने शिकायत वो कोई करे है क्लिपर 28 के लिए बिलाईगढ़ भटगांव से योगेश केसरवानी की रिपोर्ट। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।